नमस्कार। आरोही के माध्यम से आज एक विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए दूरदर्शन ने संचालन का भार मुझे सौंपा है। इसकी मुझे खुशी है। कभी कभार शब्द विशेष अनचाहे ही एक अनकही सी जिज्ञासा पैदा कर देता है। वास्तव में आज विशेष कहना बहुत ही उपयुक्त होगा, क्योंकि आज आरोही के जीवन काल में सरस्वती स्वयं पधारी है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं जिनके विषय में कह रही हूं वो स्वयं लता जी आज दूरदर्शन पधारी हैं। लता जी आपके सम्मुख जो गीत प्रस्तुत कर रही हैं, उसकी संगीत रचना संवेदनशील संगीत निर्देशक हृदयनाथ मंगेशकर ने की है। अपने पहले गीत में लता जी आप सबको ही संबोधित कर रही हैं, अपनी बात आपसे कह रही हैं।
अगम को सुगम बनाने का अभ्यास ही भारतीय साधना है। मीरा ने इस अगम को स्वयं अपने लिए ही नहीं, हम सबके लिए सुगम बनाने की साधना की। मीरा ने कहा था, मीरा भक्ति करे परगट की, घट घट वासी कृष्ण मीरा के हृदय में प्रकट हुआ। मीरा ने उसे अंतर नैनों से देखा और उसे देखने की बान ही बढ़ गई। जाने अनजाने हम सब भविष्य के लिए जीते हैं। बालक भविष्य का प्रतीक है।
बाल स्वरूप बालकृष्ण की पूजा अविनाशी भविष्यकाल की पूजा बन जाती है। कृष्ण की बाल लीला जो हर घर को नंद भवन और हर माता पिता को यशोदा और नंद बना देती है।
संत कबीर तत्वदर्शी भी थे और निडर वक्ता भी। संत हृदय तो सबका कल्याण चाहने वाला होता है। दुनियादार को समझाने से अनुभवी संत कभी थकता नहीं। संत कबीर की भी यही परंपरा रही है, ज्ञान गंगा की वो परंपरा जिसमें स्नान कर शरीर पवित्र होता है और गुरु की अनुभूति प्राप्त होती है। सृष्टि बहुत विशाल है, लेकिन इसे मैं और तुम के रूप में भी अच्छी तरह से देखा जा सकता है।
मैं और तुम चैतन्य के ही दो रूप हैं।